वर्ग करने का सबसे आसान तरीका, अगर हम बात करें दो अंकों की संख्याओं का वर्ग करने के लिए, तो उनके लिए दो विधियां बहुत ज्यादा फेमस है। एक विधि है एकाधिकेन पुरमेयड विधि, एकाधिकेन पुरमेयड विधि। इसमें क्या होता है, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 5 है, तो उसके वर्ग के लिए, तो उसका वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम लेते हैं एक संख्या, लेते हैं 35, मतलब 35। 35 का अगर हमें वर्ग करना है, तो इसके लिए हम जानते हैं किसी भी संख्या अगर वर्ग की बात करें, जैसे हम कहते हैं ए का स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है ए गुणे ए। इसी प्रकार इसको भी हम लिखेंगे 35 गुणे 35। अब इसको दो भागों में बांट देंगे। अब इसका जो इकाई का स्थान है, उसका हम उसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब 25। और ये जो दहाई का स्थान है, उसमें हम एक अधिक कर देंगे, कहता है एकाधिकेन मतलब एक अधिक। 3 में 1 क्या होगा, 4, 3 गुणते 4, 3 से 1 संख्या बड़ी है 4, यहाँ पे क्या होगा 12। तो अर्थात इसका जो आंसर आएगा, यही 12 और 25 आएगा, इसका क्या है आंसर है। इसी प्रकार आप कोई भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं जिसके अंक जो है 5 हो। जैसे और हम आपको संख्याएं दे देते हैं,